नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इस वीडियो में हम लोग कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, कोवैक्सीन टीके के बारे में हम लोग समीक्षा करने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जानकारी दी थी, और ये वादा किया था कि अगले भाग में मैं आपको कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ। जी हाँ, हाल ही में कोवैक्सीन वैक्सीन ने अपनी फेज 3 की एफिकेसी ट्रायल के बारे में पब्लिश किया हुआ है, और ये वैक्सीन काफ़ी समय तक बहुत ही विवादास्पद रही है। इसके बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुके हैं। उसका कारण यह था कि ये वैक्सीन को इमरजेंसी लाइसेंस मिला हुआ था, यानी कि फेज 3 के पहले ही उसे लॉन्च किया गया, कुछ इंस्टीट्यूट में उसे दिया गया, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसका विरोध किया था, जिसके कारण बहुत सारे अखबारों में विवादास्पद कारणों की वजह से इस वैक्सीन को पब्लिश किया गया था। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। क्या ये वैक्सीन आपके लिए सेफ़ है, ये वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने इस वैक्सीन का विरोध भी किया था। विरोध का मुख्य कारण यह था क्योंकि इसे एक इमरजेंसी अप्रूवल मिला था, इसे एक इमरजेंसी लाइन में रोल आउट कर दिया गया था, और इसीलिए डॉक्टर्स को लग रहा था ये सेफ़ नहीं है। फेज 3 के पहले ही उसे मार्केट में रोल आउट कर दिया गया, इसीलिए डॉक्टर्स उसका विरोध बहुत समय से कर रहे थे। कुछ लोगों ने मना भी किया था, कुछ लोगों ने ये रिफ्यूज़ कर दिया कि वैक्सीन हम नहीं लेना चाहते। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है और ये आप ले सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, कौन इस वैक्सीन के लिए पात्र है, कौन इस वैक्सीन के लिए पात्र नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोवैक्सीन वैक्सीन बनाई किसने। कोवैक्सीन वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है। भारत बायोटेक का बहुत ही दमदार रिकॉर्ड रहा है। उसने H1N1 वैक्सीन बनाई हुई है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन बनाई हुई है, चिकनगुनिया के ऊपर वैक्सीन बनाई है, रेबीज़ के ऊपर वैक्सीन बनाई है, जीका वायरस के ऊपर भी इसने वैक्सीन बनाई हुई है, रोटा वायरस के ऊपर भी उनके ट्रायल्स चालू है, और रोटा वायरस के ऊपर भी उन्होंने वैक्सीन बनाई है पहले। तो इस वैक्सीन के ऊपर बवाल किस बात का था, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद रखिए ये बवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। उसका मुख्य कारण यह है क्योंकि इबोला वायरस के लिए अगर WHO ने एक इमरजेंसी रोल आउट किया था वैक्सीन के लिए, तो भारत बायोटेक के लिए भी ये अप्रूवल मिलना कोई गलत नहीं है। पैंडेमिक की सिचुएशन में ये सारे रूल्स थोड़े लैक्स किए जा सकते हैं, और आज ही उसे फलस्वरूप हमें एक अच्छी भारत में बनी हुई वैक्सीन आज हमें मिल रही है। मेरे हिसाब से तो ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। तो ये कोवैक्सीन वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन से बेहतर किस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो वैक्सीन है ये एक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि वायरसेस को मार दिया जाता है, और मारने के पश्चात उन्हें वैक्सीन में तब्दील किया जाता है। मारने के कारण वो शरीर में जाने के अंदर अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति ज़रूर देने में सफल रहते हैं। दूसरा मुख्य फायदा यह है कि ये वैक्सीन के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन स्टडी की गई है, यानी कि जब ये वैक्सीन दी जाती है तो शरीर के अंदर जब एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो एंटीबॉडीज़ सामान्य भी हो सकते हैं और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ यानी कि वायरस को ख़त्म करने में यशस्वी होने वाले जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, उसकी भी स्टडी भारत बायोटेक ने पब्लिश की हुई है। भारत बायोटेक ने इसके बारे में भी उसकी जानकारी दी हुई है। इसका मतलब ये वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाने में बहुत ही स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं है कि कोई भी वायरस या फिर कोई भी चीज़ शरीर के अंदर जाने के बाद एक एंटीबॉडी बनती है, उस प्रकार का रिस्पांस नहीं है। यह एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करने में यशस्वी है, यह एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इस बारे में उन्होंने इस वैक्सीन के ज़रिए साबित किया हुआ है, और उसके बारे में दस्तावेज उन्होंने अपने वेबसाइट पर पब्लिश करके रखी है। तो आइए जानते हैं कि इस वैक्सीन के लिए कौन कौन लोग पात्र नहीं है। इस वैक्सीन के लिए वो लोग पात्र नहीं है जिन्हें इसके कंटेंट्स की एलर्जी है। मैं तुरंत ये कंटेंट शेयर करता हूँ ताकि आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको इस कंटेंट से एलर्जी है कि नहीं। किसी भी व्यक्ति को जिसे बुखार है वो ये वैक्सीन नहीं ले सकता है। जिसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यानी कि रक्तस्राव होने का जिन्हें खतरा हो सकता है, या कोई बीमारी है उनको, वो ये नहीं ले सकते। या फिर खून पतला करने की दवाओं पर अगर कोई हो तो भी ये ले नहीं सकते। जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है वो भी इस वैक्सीन को नहीं ले सकते। और जो माताएँ हैं, जो प्रेग्नेंट है, या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, वो भी इस वैक्सीन को नहीं ले सकते हैं। कुछ लोगों ने अगर पहले कोविशील्ड वैक्सीन ली हुई है तो वो सेकेंड डोज कोवैक्सीन भी नहीं ले सकते हैं। इसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके वजह से ये वीडियो मैंने 1 महीने के बाद निकाला हुआ है, उसका कारण ये है कि इसका एफिकेसी डेटा, जी हाँ, ये डेटा बहुत ही दमदार है। 81% एफिकेसी डेटा इन्होंने
पब्लिश किया हुआ है, यानी कि भारत बायोटेक ने 81% इफेक्टिव वैक्सीन बनाई हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन 70% की इफेक्टिविटी दे रही थी और ये वैक्सीन 81% की इफेक्टिविटी दे रही थी, यहाँ पर उसने कोविशील्ड को मात दी हुई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 81% की इफेक्टिविटी ये कितनी दमदार है। देखिए, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू मैन्युफैक्चर करवा के इंडिया में सर्कुलेट कराई है, उसकी इफेक्टिविटी 70% है, 70% है, और इस वैक्सीन की 81% है। वैसे तो बच्चा भी बता पाएगा कि 81% इफेक्टिविटी 70% इफेक्टिविटी से कई ज़्यादा है, लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है। 70% जो डेटा कोविशील्ड ने पब्लिश किया हुआ है वो इंडियन डेटा नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का डेटा है, जो उन्होंने इस देश के बाहर उन्होंने जो ट्रायल किए हैं उसका डेटा उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसमें ट्विस्ट की बात यह है कि बाहर के देश में कभी कभार वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली किसी विकसित देश में। भारत जैसे विकसनशील देश में जहाँ पे हाइजीन के स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग रहते हैं, जहाँ पे स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग रहते हैं, यहाँ पर ये एफिकेसी शायद काम ना आए। इसलिए 70% डेटा जो कोविशील्ड वैक्सीन का था वो शायद इंडिया में घट के 50 भी हो सकता है या 60 भी हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन भारत बायोटेक ने जो भी डेटा पब्लिश किया है 81% का, वो एक इंडियन डेटा है और इसीलिए अपने पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा फिट माना जा सकता है। इसके पहले भी जब रोटा वायरस के ट्रायल्स US जैसे कंट्रीज़ में हुई है, वहाँ पर उसकी इफ़िकेसी 95% से 100% रही है, लेकिन वही वैक्सीन, वही मेक, वही मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में आके किया तो उसकी एफिकेसी घट के 45% से 50% हुई है। इसका मतलब जब कोई वैक्सीन एक प्रांत को चेंज कर देता है, एक जगह को चेंज करता है अथवा एक देश को चेंज कर जाता है, तब उसकी एफिकेसी चेंज हो जाती है। इसलिए अगर कोवैक्सीन ने 81% डेटा पब्लिश किया हुआ है और कोविशील्ड ने अगर 70% डेटा पब्लिश किया हुआ है, तो 81% निश्चित ही 70% से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये 81% डेटा इंडियन डेटा है, इसलिए उसका पल्ला बहुत ही ज़्यादा भारी है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आज की तारीख में कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड से बेहतर है। भारत बायोटेक ने अपने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से मात दिया हुआ है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया वैक्सीन को लॉन्च किया हुआ है, इसलिए मैं इस वैक्सीन को रेकमेंड करता हूँ। आप में से कई लोग कोविशील्ड के 2 डोज ले चुके होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अभी हम कोवैक्सीन कैसे लें, तो याद रखिए कि इसका एफिकेसी डेटा दोनों का भी, कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का, नहीं है कि ये कितने समय तक अपने को प्रोटेक्ट करने वाला है। इसलिए हो सकता है आगे जाके जब अपने एंटीबॉडीज़ कम हो जाए तब हमें एक दूसरा वैक्सीन लेने का मौका मिले और हमें 2 डोजेज लेने का मौका मिले, तब आप चाहिए तो इस वैक्सीन को स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन तब तक ये याद रखिए कि आप लोगों ने जो वैक्सीन ली हुई है उसी वैक्सीन को आपको प्रीफर करना है। फर्स्ट डोज अगर आपने कोविशील्ड ले लिया तो सेकेंड डोज भी आपको कोविशील्ड ही लेना है। अगर आपने कोवैक्सीन लिया है फर्स्ट डोज, तो सेकेंड डोज भी आपको कोवैक्सीन ही लेना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। वीडियो के अंत में 2 और चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है जो भारत बायोटेक डेवलप कर रही है, वो एक अपना नेजल वर्जन भी डेवलप कर रही है, यानी कि जो इंजेक्शन अभी मिल रहे थे वो हमें मसल में मिल रहे थे, ये वैक्सीन अभी नेजल रूट से भी दी जाएगी। उसके बारे में अभी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, आने वाले समय में 6-7 महीने में उसका भी डेटा आपके सामने आके रख दूंगा। शायद ये वैक्सीन जो नाक से देने वाले है या नेजल रूट से देने वाले है वो सिंगल डोज होने वाला है, और इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि ये वैक्सीन प्रसार रोकने में भी हमें मदद करने वाली है। फिलहाल जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध है वो सिर्फ उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही वैक्सीन नेजल रूट में मिलता है और यहाँ से ही अगर आपकी प्रोटेक्शन स्टार्ट होती है, तो आने वाले समय में जब ये नेजल रूट से यानी कि नाक में वैक्सीन मिलेगी तो प्रसार रोकने में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस वैक्सीन के डेवलपमेंट और रिसर्च के बारे में। मैं आने वाले समय में इसको अपने वीडियोस में ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मैं उसके ऊपर रिप्लाई भी करूँगा। मैं बड़े चाव से आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसे रिप्लाई भी करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ये कंटेंट लोगों को समझाए कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। दोनों वैक्सीन, वेदर इट इज़ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यानी कि कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन वैक्सीन हो, दोनों भी पूरी तरह से सेफ है। इसीलिए आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें, आप बिल्कुल बेझिझक इस वैक्सीन को लेने के लिए सेंटर्स पर ज़रूर रजिस्टर कीजिए।
बिल्कुल बेझिझक होके इस वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर कीजिए और जल्द से जल्द इस वैक्सीन का फ़ायदा ले। सरकार ने अभी ये सीनियर सिटीजन्स के लिए मुहिम स्टार्ट कर दी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ऑलरेडी काफ़ी सीनियर सिटीज़न आते हैं, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की हुई है सीनियर सिटीज़न के लिए। मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन को ज़रूर ले। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि शायद अभी कोरोना की केसेस कम हो गए तो वैक्सीन लेने की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सक्रिय रुग्ण बढ़ रहे हैं। 11 फरवरी और 6 मार्च के कंपैरिजन में सिंधुदुर्ग और सांगली छोड़ के हर ज़िले में केसेस बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझा रहा है कि केसेस किस हद तक बढ़ते जा रहे हैं। राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सक्रिय रुग्ण महाराष्ट्र में ही है, इसलिए महाराष्ट्र को ये वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए। अगर कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या देखें तो भारत में अब तक लगभग 150,000 लोग इस वायरस के वजह से मर चुके हैं। महाराष्ट्र में लगभग 52,000 लोग मर चुके हैं और दुनिया में लगभग 25,93,000 लोग कोविड से मर चुके हैं। तो इतनी वजह काफ़ी है ये समझने के लिए कि कोविन ऐप में जल्द से जल्द आपको अपने सीनियर सिटीजन्स को रजिस्टर करना है। याद रखिए, वैक्सीन आपको कोविड से बचा ना पाए, लेकिन कोविड से होने वाले हॉस्पिटल में भर्ती और वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस से आपको ज़रूर बचा सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीनेशन ड्राइव का फ़ायदा ले। सीनियर सिटीजन्स को यह अपील है कि वो कोविन ऐप में रजिस्टर करें, अपने बच्चों से हेल्प लेके इस ऐप में रजिस्टर करें और जल्द से जल्द अपने सेंटर पर जाकर वो वैक्सीनेशन ज़रूर ले। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।